अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्निंग एंड अर्निंग। और मैं आपके लिए इस नई वीडियो में लेकर आया हूं उस मसले का जो कि आजकल के नए यूट्यूबर्स के लिए एक हॉट टॉपिक बना हुआ है कि किस तरह से वो अपना 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट अचीव करेंगे और कैसे अपने वो 4000 आवर्स का जो है वो वॉच टाइम वो हासिल करें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको तमाम वो बेसिक चीज़ें बताऊँगा जिसको मिस कर रहे हैं आजकल बहुत सारे यूट्यूबर, जिसकी वजह से उनको परेशानी हो रही है अपने वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स को हासिल करने के लिए। इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि आप सबसे पहले तो आपको अपना कंटेंट, अपनी जो कैटेगरी है उसको डिसाइड करना होगा कि आपने उसी से रिलेटेड काम करना है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक टैक्स से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं तो आप टैक्स से रिलेटेड ही वीडियोस बनाएं, उसके अंदर कोई मेडिकल से रिलेटेड या डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें मिसाल के तौर पर। और इसके अलावा अगर आप इंटरटेनमेंट की फील्ड से रिलेटेड कोई चैनल आपने बनाया है, कैटेगरी बनाई है, तो आप उसी से लिंक रहें, ठीक है। ये नहीं कि आप उसके अंदर और दूसरी चीज़ें डाल रहे हैं, न्यूज़ को उसमें ऐड कर रहे हैं जहाँ पर आपको अच्छी खबर नज़र आ रही है जस्ट फॉर कि आपको व्यूज़ मिल सकें। वक्ती तौर पर तो आपको व्यूज़ मिल जाएंगे, बट इससे होगा ये कि आपके चैनल के ऊपर एक इम्पैक्ट जो अच्छा नहीं पड़ेगा, यूट्यूब आपको उस तरह से रिकमेंड नहीं करेगा, इन फ्यूचर आपकी वीडियोज़ रैंक नहीं हो सकेंगी, तो ये आपके लिए एक ड्रॉबैक की सूरत में होगा। तो इसीलिए इसमें आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा, ठीक है, मेहनत करनी होगी और जो कंटेंट आप डिसाइड कर लें, जो कैटेगरी आप डिसाइड कर लें उसी को लेकर चलना होगा, उसी से रिलेटेड आपने काम करना है, ठीक है। कंटेंट बहुत ज़रूरी है, जो आप डिसाइड कर लें उसी पर मेहनत करनी है, उसी पर आपने काम करना है। और उसके बाद शुरू में मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, वही है उस तरह से उसको प्रूफ आपने ऐसे करना है कि आपने डेली की 2 वीडियोज़ बनाने की आदत डालनी है। बहुत मुश्किल टास्क है लेकिन ये ज़रूरी है। इसके बगैर आपको देखें सब्सक्राइबर्स तो आ जाते हैं, हम ज़्यादातर यूट्यूबर्स के जो पैटर्न वो यूज़ कर रहे हैं तो वो ये होता है कि वो सब्सक्राइबर्स को हासिल करने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें वो कुछ गलत तरीक़ेकार ऐसे तरीका जो कि बाद में वो उनके लिए ड्रॉबैक की सूरत में होता है, जब वो मोनेटाइजेशन के लिए जाते हैं चैनल के लिए तो फिर वहाँ पर वो पता लगता है कि यहाँ पर ये गलतियाँ उन्होंने की थी और परेशान होते हैं। तो पहला काम हमारा ये काम होना चाहिए, हमने मेहनत करनी है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को अपलोड करना है अच्छे कॉन्टेंट के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ, साउंड और वीडियो पिक्चर क्वालिटी वगैरह सब चीज़ें जो उसकी अच्छी होनी चाहिए। कंटेंट जानदार होना चाहिए, उसमें व्यूअर्स क्या चाह रहे हैं देखना आप वो दिखाएं उनको उसके अंदर अपनी कैटेगरी के हिसाब से। शुरू के अंदर आप जब आप एक अपना नया चैनल आप स्टार्ट ले रहे हैं तो उस वक्त आप नहीं करें कि आप 10-12 वीडियोज़ बना लें, आपने वो अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दें, ठीक है, टाइम टू टाइम, ताकि वो सबको व्यूज़ मिल सकें। देन उसके बाद आपने वीक में 2 वीडियोज़, जैसे आप 4 दिन का पैटर्न बना रहे हैं, हर 4 दिन के बाद आपकी वीडियोज़ जो वो लाइव होंगी। उसमें ये नहीं है कि आप उसके लिए बैकअप के तौर पर आपको काम करना है, वो कैसे करना है, आपने ये ज़रूरी नहीं कि आप 4 दिन में एक वीडियो बनाए फिर रुक जाए फिर 4 दिन के बाद वीडियो बनाए, नहीं, आप कंटिन्यूसली अपनी वीडियोज़ को बनाते रहें। यूट्यूब के अंदर चैनल में आपकी एक ऑप्शन होता है आपका जिसमें आप अपनी वीडियो को किसी भी डिसाइडेड डेट और टाइम पर लाइव कर सकते हैं, ठीक है। आपने उसको अपलोड कर दिया वीडियो बनाने के बाद, इस तरह से आपने एक बंच ऑफ वीडियोस आपने अपलोड करनी, 3, 4, 5 जो भी हैं, ठीक है, उसमें आपने टाइम और डेट सेलेक्ट कर ली कि आप ये वीडियो इस डेट को इस तारीख इस टाइम पर ये लाइव हो जाए, तो खुद ब खुद एक आपका साइकिल चलता रहता है और पीछे आपका बैकअप भी चलता रहता है। तो इस तरह से आपका चैनल अच्छी तरह से ग्रो करता है। उसमें होता क्या है, देखिए व्यूज़ आते हैं आपको, आपको वॉच टाइम मिलता है, वॉच टाइम जब मिलता है तो उससे यूट्यूब को पता लगता है कि आप की वीडियोस को लोग देख रहे हैं और आप एक्टिव हैं अपने चैनल के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। उससे ये होता है कि वो आपकी जब आपके व्यूज़ बढ़ते हैं ना किसी भी कोई भी एक किस्म से वीडियो अगर आपकी वायरल हो जाती है, व्यूज़ बढ़ते हैं, देन वो आप यूट्यूब आपके चैनल को आप उस वीडियो को खुद रिकमेंड करता है तो उससे फिर ऑटोमेटिकली आपकी व्यूज़ आने लग जाते हैं, फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती उस वीडियो के ऊपर, ठीक है, उससे आपका सब्सक्राइबर्स बढ़ने का ऑटोमेटिक आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं और आपको वॉच टाइम भी मिल जाता है, दोनों काम हो जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन अवॉइड करने से यानी कि सिर्फ सब्सक्राइबर्स के पीछे भागने से बेहतर है कि आप अपनी वीडियोज़ बनाएं, उस पर काम करें, ज़्यादा ज़्यादा अपलोड करें, व्यूज़ हासिल करें, वॉच टाइम गेन करें और अपने चैनल को ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करें।
हम बनाएंगे उसके अंदर, उसमें ज़रूरी कोशिश ये करें, नए यूट्यूबर्स होते हैं परेशानी होती है समटाइम, उनके पास तमाम सहूलत अवेलेबल नहीं होती। साउंड की क्वालिटी को जितना अच्छे से अच्छा आप कर सकते हैं, वीडियो क्वालिटी जितनी अच्छे से अच्छा आप बना सकते हैं वो बनाएं, ताकि देखने वाला अट्रैक्ट हो, रुके देखे वो, हाँ ठीक है मैं एक सही जगह पर रुका हूँ, मुझे यहाँ इनको इसको सुनना चाहिए, मुझे आवाज़ आ रही है, मुझे जो आपने स्क्रिप्ट बनाया है अपनी वीडियो का स्टार्ट के अंदर से ही, वो के जो व्यूअर है उसको इंगेज करने वाला हो। वीडियोज़ वगैरह बना ली, सारी मेहनत कर ली, उसके बाद सबसे अहम चीज़ इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे अहम चीज़ जो है वो है आपका थंबनेल। थंबनेल पर आपने काम करना है, उसको आपने उसमें वीडियो की जो समझे उसके अंदर एक आपकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई, आपकी स्टोरी लिखी हुई कि उस वीडियो के अंदर है क्या। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक ऑप्शन बता देता हूँ, उसको आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो कि वैसे तो अवॉइड करने का कहते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी और बाकी भी, बट लेकिन ये इस तरह से लीगल नहीं है और वो ये सब यूज़ कर भी रहे हैं, इसी तरीके को इसी पैटर्न को इस्तेमाल भी कर रहे हैं, वो है क्या वो मैं आपको बताता हूँ। थंबनेल्स को मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो है क्लिक बैटिंग। क्लिक बैटिंग के लिए वैसे तो यूट्यूबर्स जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो अवॉइड करते हैं, मना करते हैं उसको यूज़ करने के लिए, लेकिन खुद भी तमाम यूट्यूबर्स इसको यूज़ करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं। इसमें क्लिक बैटिंग को अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली ये ना करें। मतलब कहने का ये है, क्लिक बैटिंग होता है क्या पहले तो मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने ये वीडियो मेरी देखी, इसके थंबनेल के ऊपर मैं ये लिख देता हूँ कि आप 7 दिन के अंदर अपने जो है वो चैनल को, आप अपने 7 दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच टाइम जो वो हासिल करें इस वीडियो को देखकर, इस तरह से मैं उसमें लिख देता हूँ। तो क्या होगा, जो आपके व्यूअर्स हैं वो डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे, चेक करेंगे कि यार इसके अंदर क्या है ऐसा इस वीडियो के अंदर, और मैं इसको वीडियो को प्ले करके लाजमी देखता हूँ। ठीक है, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको तमाम वही चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं, अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, लेकिन समझ रहे हैं कि उस थंबनेल के अंदर मैं कुछ इस तरह से अट्रैक्टिव लिख दूँ कि आपका व्यूअर्स है वो डायरेक्ट उस पर क्लिक करें, अट्रैक्ट हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उसके अंदर लिख दिया कि मैं इसमें सोना बेच रहा हूँ और उसके अंदर मिट्टी हो, तो ऐसा नहीं है। लेकिन आपने उस वही चीज़ अंदर दिखानी है, बट अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स उसके अंदर लिख दें, जैसे कि मैंने बताया कि अब जैसे आजकल का हॉट टॉपिक यूट्यूबर्स के लिए जो है वो यही है, आजकल बहुत ज़्यादा लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं यूट्यूब चैनल्स को, तो वो चाहते हैं कि किस तरह से 1000 सब्सक्राइबर्स हैं उनकी, कैसे वो 1000 आवर्स का वॉच टाइम हासिल करें, तो उसके लिए कितना अट्रैक्टिव आप उसके अंदर उनको वो कुछ पंचिंग लाइन दे सकते हैं, जैसे कि 7 दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स हासिल करें और 4000 आवर्स का वॉच टाइम हासिल करें, लिख सकते हैं, लेकिन अंदर आप उसको रेलिवेंट अच्छी चीज़ें वो प्रोवाइड भी करें वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये क्लिक बैटिंग है, इससे भी आप कर सकते हैं अपने चैनल को ग्रो। ठीक है, इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ करें, लेकिन एक पॉजिटिव वे के अंदर, ऐसा नहीं कि वो आप किसी को सामने वाले को धोखा दे रहे हो, तो सामने कुछ लगा रहे हो पीछे अंदर कुछ और ही हो उसके अंदर, मतलब बिल्कुल ही रेलिवेंट चीज़। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो भी बहुत अहम चीज़ है, वो क्या है, आपको अपने चैनल की SEO करनी है। SEO से रिलेटेड बहुत सारी जो है वो वीडियोज़ और इसके अलावा इसके ट्यूटोरियल्स बहुत सारे YouTube पर अवेलेबल है, कैसे करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करनी है, तमाम चीज़ें आपको YouTube के ऊपर ईजिली मिल जाएंगी। मैं भी आने वाले दिनों में इससे रिलेटेड एक वीडियोज़ बहुत जल्द बनाने वाला हूँ डिटेल के साथ, तो आप इसको सर्च करें। SEO जितना अच्छा होगा आपके वीडियो, आपका चैनल उतने ही अच्छी तरीके से जल्द अज्द रैंक करेगा। इसमें दो अहम चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, एक तो शेयरिंग इस तरह से करनी है कि आपने अपने चैनल का लिंक शेयर नहीं करना, आपने अपने चैनल का नाम और जो वीडियो है उसका नाम, आप जो टाइटल है वो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और इससे ये होगा कि आप अगर जो वो लिंक शेयर करते हैं तो आपका जो एक्सटर्नल डेटा है वो बढ़ेगा, और इससे आपके जो व्यूज़ या सब्सक्रिप्शन या फिर जो मोनेटाइजेशन के टाइम के ऊपर, इस पर कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप एक स्टार्ट में ग्रो करना चाह रहे हैं, अच्छा बूस्ट देना चाह रहे हैं, तो आप शेयरिंग कर सकते हैं, आप करें, बट कोशिश ये करें, प्रेफर ये करें कि अपना लिंक ना दें, लिंक की जगह नाम और वीडियो का जो टाइटल है वो शेयर करना बेहतर। दूसरा, सब जो वो अलाउ नहीं है, इसको यूट्यूब मना करता है, वरना इसमें हो गए एट द टाइम ऑफ द मोनेटाइजेशन आपको ये प्रॉब्लम फेस होगी और वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्शन इस पर निकल सकता है। ठीक है,
सब सब सबके लिए आप जैसे अपनी चैनल के ऊपर वीडियो के दौरान बोल सकते हैं कि आप अपने कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या जो उस तरह से जो हम बोलते हैं वीडियो के दौरान वो बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये एक तमाम चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई हैं, इसको फॉलो करके अगर आप अपने चैनल को मोनिटाइज करवा सकते हैं इजीली, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स का वॉच टाइम आसानी से हासिल कर सकते हैं, चंद दिनों में हासिल कर सकते हैं और एक ऑर्गेनिक तरीके से हासिल कर सकते हैं जिससे आपके चैनल और आपकी बुनियाद जो है मजबूत हो सके, ठीक है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कर दीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।